एक छलांग मारकर हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है उसके शिकार करने के लिए। तभी वहाँ पर एक शेरनी आ जाती है और शेरनी शेर से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, मगर शेर उसे कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला और शेर शेरनी को अनाप शनाप कहने लगता है। तभी शेरनी बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर शेरनी जोर जोर से दहाड़ने लग जाती है और शेर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये शेरनी एक नागिन के रूप में बदल जाती है क्योंकि ये नागिन ही होती है। और हिरण का बच्चा देखकर ये सब बहुत चौंक जाता है और वो पूछता है ये कैसे हुआ, तो वो बताती है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। ये लोग जब बात कर रहे होते हैं मगर शेर सब पीछे छुपकर सुन लेता है और शेर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और शेर कुछ जानवरों के साथ मिलकर मीटिंग करने लगता है। फिर ये लोग मिलकर सांप को मारने की प्लान बनाने लगते हैं और ये लोग मिलकर सांप को मार देते हैं और सभी जानवर बहुत उदास हो जाते हैं। और दूसरी तरफ शेर लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और कुछ दिन बाद वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और सारे जानवरों को एक पिंजरे में बंद कर देता है और सारे जानवर कहने लगते हैं कि अगर सांप होता तो वो हमें बचा लेता। फिर ये बात सुनकर शेर और उसके दोस्तों को अपने गलती पर एहसास होता है।